You, Sher Singh? Yes, sir. You, Mohandas? Ji haan, Mohandas. Aapka bhi das. So you are Amir Chand? Ji haan, sir. Amir Chand. You, Dolat Ram? Naam Dolat Ram, vaise thantan. Jimmy, have you spoken to them? Sahab kehte hain ki sarkar ko tumhari sab khubiyan aur karname maloom hai. You do our job. We will give you money, land. We will make you all very rich. Sahab kehte hain ki tum hamara kaam karo, sarkar tumhe zameen degi, rupya degi aur bahut bada aadmi banayegi. Lekin sahab ye kaam to aap ek goli chala ke bhi kar sakte hain. Fir ye hum logon ko hamari goli chalegi to danga fasad hoga. Lekin sarkar ek aadmi ke liye bahut se logon ko nahi marna chahti. Lekin bhai ji ek baat to batao. Ye jo Sat Prakash hai, ise hum dhoondenge kahan? Sat Prakash ko dhoondne ke liye ek plan. Tum log deshbhakt ban ke jail jao. जेल में तुम्हें सत प्रकाश का एक दोस्त शंभुनाथ मिलेगा. तुम उसके दोस्त बनोगे और चोरी से उसको जेल से बाहर ले आओगे. चोरी से? हाँ, चोरी से. सरकार इस काम में तुम्हारी पूरी मदद करेगी और इसके बाद शंभुनाथ तुम्हें एक सच्चा देशभक्त समझेगा और तुम्हें सत प्रकाश से मिलाएगा. जब तुम सत प्रकाश से मिलोगे तो हमारी गोली भी नहीं चलेगी और सत प्रकाश भी खत्म हो जाएगा. समझे? समझ गए साहब. अगर आप हमारा ख्याल रखें तो एक सत्य प्रकाश तो क्या हम सारे हिंदुस्तान के प्रकाश को बुझा देंगे. मुन्ना, तू पुलिस वाला है. हाँ. मैं भाषण देता हूँ, तू मुझे पकड़ने आना. चल. मेरे देशवासियों, जय हिंद. मुन्ना, तू भी बोलना जय हिंद. मैं तो बुझे भैया, मैं तो पुलिस वाला हूँ. पुलिस वाला बाद में, अब तू जल से मैं आए. बोल जय हिंद. जय हिंद. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. दीदी भैया. मुन्ना, क्या हुआ मुन्ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा. माँ, क्या बात है बिजू? अरे मुन्ना, क्या हुआ? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? उठो. अरे ये सत्य प्रकाश के बेटे हैं पार्वती, इन्हें कुछ नहीं हो सकता. चलिए अंदर चलिए, कहीं पुलिस. पार्वती, यही तो एक जगह है जिसकी अभी तक पुलिस को खबर नहीं. वंदे मातरम. वंदे मातरम. भाई जी. हाँ? आप शंभुनाथ जी हैं? हाँ. हम जानते हैं आप सत प्रकाश जी के खास आदमी हैं. मैं जानबूझ के पकड़ा गया हूं और यहां आया हूं. क्यों? आपसे मिलने के लिए, आपको जेल से ले जाने के लिए. पिताजी, आप घर पे क्यों नहीं रहते? अरे बेटे, तुम नहीं जानते, हम तो एक नया घर बना रहे हैं. एक बहुत बहुत बड़ा घर जिसमें सारे देश वाले मिलजुल के आजादी से रह सके. पिताजी, वो घड़ी वाला गीत क्यों नहीं सुनाते आप? सुनोगे? हाँ सुनाइए. तुम भी? मुझे भी. तो सुनो. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. नमस्ते भाभी. सत प्रकाश जी घर पर हैं? अरे हाँ भाई, घर पे हैं. क्यों भाई, जेल से भाग के आए हो? नहीं, जेल तोड़ कर आया हूँ. शाबाश. आओ बैठो. नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, पुलिस मेरा पीछा कर रही है. तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है. अच्छा, हाँ, अंदर चलो. पार्वती, जरा ध्यान रखना. जी. मुझे जेल से निकालने वाले वही लोग हैं. भाई बड़े हिम्मत वाले, पैसे भी हैं उनके पास. बस एक ही लगन है उनमें, देश की आजादी. और आपके तो भक्त हैं. उनके पास एक स्कीम है जिसे वो आपको बताना चाहते हैं. वो लोग दरिया के किनारे वाले खंडर में आपका इंतजार कर रहे हैं. वहाँ एक बैलगाड़ी खड़ी जिसमें उनका एक आदमी है.
चलिए मैं आपको मिला देता हूँ। बहुत अच्छा, चलिए। अच्छा पार्वती मैं चलता हूँ, जल्दी लौटाऊंगा। पिताजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरे फिर माँ के साथ कौन रहेगा? माँ के साथ मुन्ना है ना, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं बिजू, पिताजी की बात मानते हैं। अच्छा बेटे मैं चलता हूँ। मुन्ना तू माँ के पास बैठ, मैं पिताजी के साथ जाता हूँ। मैं भी साथ चलूंगा। देख तू मेरे साथ कैसे चलेगा, तेरे पाँव में चोट आई है ना। तू माँ के पास बैठ, मैं चलता हूँ। अच्छा भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। कहिए दौलत राम जी आप उनसे क्या चाहते हैं? भाई सठ प्रकाश जी हमारी एक स्कीम है जिसमें हम वायसराय से लेकर अंग्रेज सरकार के बड़े से बड़े अफसर को एक दिन में खत्म कर सकते हैं। अच्छा वो कैसे? बात ऐसी है कि हमारे दो साथी और हैं, वो फरुखाबाद के पास के जंगल में हमारा इंतजार कर रहे हैं। वहीं चल के बात कर लेते हैं। आइए चलिए आइए। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए, कल सुबह आपसे मिलता हूँ। अच्छा बैठिए। आइए भाई सठ प्रकाश जी आइए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आइए इस मुलाकात की खुशी में हम सब मिलकर एक कसम खाएं कि हम अपनी आजादी के लिए अपनी जान पे खेलने को तैयार हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा छा। इसको तो मिल गई आजादी, चलो। तो यहाँ कैसे बैठे? बहुत खून दे रहा है पिताजी। ये खून रंग लाएगा बेटे, इसकी एक एक बूंद मेरी देशवासियों की आंखों में उतरेगी, सालिमों से बदला लेगी। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को जान से मार डालूंगा। विजय मैंने सोचा था लाल किले पे तिरंगा लहरा तो देखूंगा, लेकिन तू ये घड़ी संभाल। अब तो घर जा बेटे, अपनी माँ को खबर कर, अपने अपने छोटे भाई को संभाल। वंदे पिताजी। हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखने के लिए बेरहम फिरंगियों ने न जाने ऐसे कितने लाखों करोड़ों खून के छींटे हवा में उड़ा दिए, लेकिन शहीदों का खून बेकार नहीं गया, वो उड़ा और तिरंगे का एक रंग बनकर जम गया। जंगे आजादी में शहीद होने वाले कुछ सिपाही थे जिनका नाम तारीख में है और हमेशा रहेगा। उनके नाम पर मार्ग बने, कॉलेज अस्पताल बने, नगर बने, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं लिया। ऐसे ही गुमनाम शहीदों की याद में ये हमारी श्रद्धांजलि है। Thank you.
माँ। हे माँ, यह आंसू? बस यूं ही इस आजादी के निशान को देखकर तेरे पिताजी याद आ गए। देशभक्त सत्य प्रकाश की बीवी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, और फिर आज तो मुझे मेहनत का फल मिलने वाला है। माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस काम में जल्दी से कामयाबी हासिल कर लूं। मुस्कुरा कर आशीर्वाद दो। जल्दी जा बेटे, तेरी माँ तुम्हारा भला करे। होम डिपार्टमेंट ने आपके डिपार्टमेंट की चीफ की सिफारिश पर यह केस आपको सौंपने का फैसला किया है। इस केस का नाम है फरक्काबाद मर्डर केस, जिसे ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन अगर आपका रिकमेंडेशन न होता तो शायद ये केस हमेशा बंद रहता। सर, इस केस में शहीद होने वाले सत्य प्रकाश जी मेरे पिता थे। ओ आई सी। लेकिन मिस्टर अविनाश, इतने सालों के बाद इन करोड़ों लोगों में से इन चार आदमियों को ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को हासिल करने के लिए ही तो मैंने ये वर्दी पहन रखी है। मैं जानता हूँ सर कि इन लोगों ने अपनी शक्ल, अपना नाम, रहन सहन सब बदल लिया होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ सर, बहुत जल्द ही इन लोगों को कानून के सामने खड़ा कर दूंगा। कातिल से बढ़कर कानून को गवाह की जरूरत होती है, और इस केस में सिर्फ एक आई विटनेस है। वो है एक लड़का जिसकी उम्र बहुत कम थी। उसी ने शायद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि इन कातिलों में से एक दमे का मरीज है। खबर मिली है कि आजकल वो दमे का मरीज बंबई में है। लिहाजा उन कातिलों को ढूंढने के बजाय अगर तुम उस आई विटनेस को ढूंढ निकालो तो तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। उस लड़के की तलाश तो मुझे परसों से है। वो मेरा भाई है, बड़ा भाई। ना जाने कहां होगा। कसम, अपने शहीद बाप के खून की कसम, तुम चारों पापी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लो भाई जी, मैं तो अपने हिस्से का 1,00,000 रुपया डाल रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि 50,000 रुपया क्या साल का कम था जो एकदम से 1,00,000 रुपया लाने को कह दिया बाबूलाल ने? भाई शेर सिंह, ये तो सरासर ज्यादती है। कत्ल तो हम सब लोगों ने मिलकर किया था, फिर वो हमें धमकी तो दे रहा है। अगर वो जाकर साला पुलिस में रिपोर्ट भी करेगा तो वो भी तो मरेगा। मरने का डर उसे नहीं हमें है मोहनदास, तुम मोहनदास से माथुर बन गए। दिल्ली में काफी माल कमाया तुमने, गोवा में होटल है, मछलियों का बिजनेस है, काफी कमाया तुमने। अब बताओ, ऐसी हालत में एक मामूली आदमी के कत्ल के जुर्म में फांसी के तख्त पर चढ़ना चाहोगे तुम? और राय बहादुर, तुम उन दिनों देशभक्तों की मुखबरी करके तुमने राय बहादुर का खिताब हासिल किया। लकड़ियों का बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरी जंगल कटाई का, और गोवा में अफीम चरस गांजे की स्मगलिंग करते हो मोहनदास के साथ मिलकर। अब ये बताओ, ऐसी हालत में क्या तुम मरना चाहोगे? शेर सिंह, बात तुम गलत नहीं कह रहे हो, जो कह रहे हो शायद ठीक ही कह रहे हो, लेकिन एक सवाल मैं भी तुमसे पूछूं, क्या तुम मरना चाहते हो? अरे भाई शेर सिंह से धर्मदास बनने के लिए, इस सोसाइटी में बड़ा आदमी बनने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया? धर्मशाला, हड़ताल खोले, स्कूल खोले, और पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ी से बड़ी स्मगलिंग की,
सोने की स्मगलिंग, चांदी की स्मगलिंग, कपड़े की स्मगलिंग, प्लेटिनम की स्मगलिंग, हीरे की स्मगलिंग, मगर मैं कहां इनकार करता हूं। हम सब एक ही पहाड़ के पत्थर हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इज्जतदार लोग हैं, दौलत है हमारे पास, हमको जिंदगी की जरूरत है, उसको नहीं है। वो मरने से नहीं डरने वाला, ये तो मैं नहीं मानता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ फिर? तो भाई जी, मैं एक बात पूछता हूँ, वो कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? मुझसे जुए में रुपया लुटाता रहेगा तो हम कब तक दोस्ती निभाएंगे उसके साथ? आज वो लाख मांगता, कल 2 लाख मांगेगा तो, परसों 3 लाख मांगेगा तो। इस टोटो का मेरे पास जवाब नहीं है, आप सिर्फ ये बताइए चाहते क्या है। मैं बताता इसका हल हमारे पास है। देखिए, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, एक खून की सजा क्या होती? फांसी। और दो की? फांसी। तो पाट में दम है भाई जी। जयराम जी, मैं उसका राम नाम सत किए देता हूं। ठीक है, हम तुम क्या कहते हैं इसके बारे में? मोहनदास, पहले ये फाइल पढ़ लो। फाइल देख ली? अपनी अपनी फोटो भी पहचान ली ना? इसमें तुम सबके पुराने नाम और पते, कत्ल की स्कीम, और उसके बदले में हम चारों को मिली हुई जमीन, कपड़े और चीनी के कोटे, और 10 लाख रुपया नकद देने वाले का नाम और पता भी। और मेरे दोस्तों, कत्ल करते वक्त हम में से किस किस ने क्या क्या किया, वो सब इस फाइल में मौजूद है। बहुत बेवकूफ है बाबूलाल, हमारे खिलाफ तुम्हारे पास जितने भी सबूत थे तुमने खुद ब खुद हमारे हवाले कर दिए। अब क्या हमें साख ब्लैकमेल करोगे तुम? तुमने हमें ये फाइल नहीं दी, अपनी मौत का परवाना दे दिया है। ये तो कॉपियां हैं, कॉपियां मोहनदास। असली फाइल तो मैं बैंक के लॉकर में रखकर आया हूँ, और अपने वकील को इंस्ट्रक्शन दे दी है मैंने कि अगर मेरी मौत कुदरती ना हो, अननेचुरल डेथ हो, तो वो ये फाइल फौरन पुलिस के हवाले कर दे। मेरा ख्याल है ये पिस्तौल अपनी जेब में वापस रख लो। भाई जी, इसको इसको तमंचे को नीचे करो, गोली निकल गई तो। ये लो जी, ये लो बाप जी, अब तो आपकी जान की हिफाजत भी हमें करनी पड़ेगी, आते जाते रहना। क्यों नहीं, जरूर आता जाता रहूंगा। प्यारे साथियों, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, तुम तो जानते हो कि मैं दमे का मरीज हूँ। अरे रे, आज इस पुराने साथी की मदद करके तुम लोगों ने अपना फर्ज पूरा किया। नहीं। और अगर जरूरत पैसे की पड़ी गई तो कहाँ जाऊंगा, तुम ही लोगों के पास आऊंगा। नहीं नहीं, आना जाना नहीं, टेलीफोन कर देना, भिजवा देंगे। हाँ, टेलीफोन नंबर तो वही है ना। वही है। भाई जी, रास्ते में संभाल के जाना, आपको कहीं कुछ होना चाहे।
हेलो, मेरा नाम माथुर है, आप बहुत अच्छी डांसर हैं। थैंक यू। सुनिए, गोवा में मेरा एक बहुत बड़ा होटल है, आप मेरे साथ चलिए, आपकी शामें रंगीन हो जाएंगी, मेरी रातें, बड़ा मजा आएगा। लीजिए आपकी पेशकी। मुझे मालूम है, मैं कला बेचती हूँ, अपने आप को नहीं। चलो हमारे साथ। तुम लोग चुप चुप चुप। अरे छोड़ो मुझको, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझको? आपको घर छोड़ दूं। बैठिए। कहां रहती हैं आप? क्लिफ्टन होटल। क्लिफ्टन होटल? घर नहीं है क्या? वही घर है, वही ठिकाना है मेरा। आपका ठिकाना आ गया। आपने मेरी जान बचाई, मुझे नई जिंदगी दी, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा तो नहीं करूंगी। अगर मैं आपके किसी काम आ सकी मुझे बहुत खुशी होगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरा नाम रवि है। मुझे उषा कहते हैं, याद जरूर कीजिएगा। अजी अपना क्या ठिकाना, अपनी जिंदगी तो हवा के उस झोंके की तरह है जिसे खुद नहीं मालूम कि कल वो कहां और किस जगह होगा। बाय बाय। साहब, साहब क्या है? साहब हमको एडवांस मांगता है। एडवांस मांगता है? किसे बेवकूफ बना रहा है? भाग यहां से, भाग। साहब दबा ले लो। धन्यवाद। हम देखते हैं। जयराम जी की। जयराम जी की? ये क्या है? मनी ऑर्डर। मनी चाहिए तो अपने मालिक के यहाँ पर दस्तखत ले आओ, एडवांस में। ले आया एडवांस। साहब साहब इस पर दस्तखत। अरे बेवकूफ, ये तो तेरा मनी ऑर्डर है, जा इस पे अंगूठा लगा और अपने पैसे ले ले। मुझे तंग मत कर, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, जा भाग जा। ठीक है साहब, समझ लो आपका हाथ लगा तो हमारी झोली में एडवांस आ गया। यस यस यस, ये दोनों निशान एक ही आदमी की उंगलियों के हैं। डीएसपी साहब
ये मनी ऑर्डर फॉर्म पर बाबूलाल की उंगलियों के निशान और हमारे रिकॉर्ड में अमीरचंद की उंगलियों का निशान दोनों एक जैसे हैं। मैं हूं डीएसपी अविनाश चौधरी। मिस्टर बाबूलाल, फरखाबाद मर्डर केस के सिलसिले में मैं आपको अरेस्ट करता हूं। पकड़ लो इसे। पुलिस वालों, तुम लोगों ने बाबूलाल को हवालात में बंद करके हमारा काम और आसान कर दिया। रवि बोल रहा हूँ। कौन रवि? कुछ दिन पहले आपने किसी से कहा था कि अगर आप कभी उसके किसी काम आ सकें तो आपको खुशी होगी, याद आया? अरे हाँ, आप? हाँ, मैं मिलने आया हूँ। तो आ जाओ ना। कहाँ? बाथरूम में। आपको कैसे पता कि मैं बाथरूम में हूँ? मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे कमरे से ही बोल रहा हूँ। क्या? हाँ। अरे, आप कमरे में कैसे आए? कैसे भी मत जाओ, पूछो कि क्यों आया। मुझे काम है तुमसे, करोगी? आपके लिए हर काम करूंगी। दरोगा बाबू लिख लो हमारी रपट, दरोगा बाबू लिख लो हमारी रपट। हमारे पिया के दिमाग को पट, दरोगा बाबू लिख लो हमारी रपट, दरोगा बाबू लिख लो हमारी रपट। हमारे पिया के दिमाग को पट, दरोगा बाबू लिख लो हमारी रपट। बोला एक भाई हमारा राखी बंधाने आया, उसने 100 का नोट दिया तो पिया ने गुस्सा खाया। वो समझा मन महामारी कोट, देखी राखी देखा नोट, करने चोट पर चोट। अल्लाह हमारी
ससुरी भीख बजरिया हमारा नाम बदनाम करत रही ठुमका लड़ाई के अभी सीधा कहते तुमका छोड़ दे हमको छोड़ दे हमको छोड़ दे हमको पकड़ लो उसको पकड़ लो क्यों ठीक है ना हम यही छात्र रही और हम भी यही छात्र हैं ठीक है लेके जाओ अंदर इसको चलो चल चलो लेके जाओ अंदर ए हवलदार तनिक इनका ध्यान रखी कहता सवेरे नाश्ते में एक छाछ का गिलास और ढेर सारा मक्खन भी दोपहरिया को पराठा पराठा असली घी का असली घी का असली घी नहीं तनिक दही भी दही भी आ दही भी पराठा असली घी लस्सी आ हा हा तुम्हारे बाप का घर है क्या चलो जाओ यहाँ से अरे हवलदार हमार जोर पर काय गरम हो तो अरे हमका रात को का चाहिए ये तो बताई जा रही का सोने से पहले इनका दूध भी दे देना दूध पिए बिना इनका नींद नहीं आवत अरे भैया जोर से क्यों लड़ता है अरे हम ना लड़त कोई का वही सुशील ठीक है अरे हम जैसे कमारे के दिल से पूछ कि बगैर जोरू क्या गुजरती है अरे घर जेल खाना मालूम होता है देख तेरी सेहत का कितना ख्याल रखने को कह गई है कौन हो तुम वक्त आने पर पता चल जाएगा वैसे इस वक्त मैं तुम्हारा दोस्त हूं आज रात को दरोगा बाबू हमका नींद नहीं आवत है खटिया सुनी सुनी लागत है क्या नींद आती है हमका नींद नहीं आवत है खटिया सुनी सुनी लागत है ओ ऐसो हमारे मरदवा को छोड़ दो ना छोड़ दो गधा अरे अभी तुम खुद कहती थी कि तुम्हारा मरदवा तुमको मारता पीटता है और अब कहती हो छोड़ दो उसे क्योंकि मार के बिना हम रह भी तो नहीं सकत है गौना भाई पीछे एक रात भी उससे अलग नहीं रहे हम उसके साथ हम का भी भर्ती करवा दो नहीं तो हम अपना सब कुछ अरे बेचारी एक रात भी तेरे बगैर नहीं रह सकी तेरी जोरुआ है तुझे छुड़ाने के लिए बड़ा तकदीर वाला है तू हमारी जोरुआ को और कोई नहीं जाना सिवाय हमरे पल में गरम पल में नरम अब ही घर जाए फिर से गरम हो जाए ससुरी यानी नरम गरम नरम गरम नरम गरम चलो चलो राम जी की काशी नाम हाँ मैं बोल रहा हूँ हाँ तुम यहाँ फौरन आ सर बाबूलाल भाग गया क्या भाग गया सर भाग गया नहीं मेरी सांस फूल रही है मैं अब नहीं चल सकता नहीं चल सकता नहीं बाबूलाल जब तक तुम्हारी सांस चल रही है
तुम्हें चलना ही होगा। नहीं, नहीं, चलो, नहीं, चलो। मैं नहीं भाग सकता, मैं मर जाऊंगा। नहीं भागोगे तो भी मर जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा अमीर चंद। तुम मेरा असली नाम कैसे जानते हो? अंग्रेजी सरकार के पिट्ठू, मैं तुम्हारा असली नाम ही नहीं, तुम लोगों की सारी असलियत जानता हूँ। कहाँ है तुम्हारा साथी? कहाँ है? कहाँ है राय बहादुर दौलत राम? कहाँ है शेठ मोहन दास? और कहाँ है गांव का वो मुखिया ठाकुर शेर सिंह? बोल, बोल! तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन इस घड़ी को जरूर पहचानते हैं। पच्चीस साल पहले का वो दिन याद करो अमीर चंद, जब तुम चारों एक देशभक्त को बैलगाड़ी में बिठाकर जंगल में ले गए थे। तुम जाओ। अमीर चंद, तुम दमे का मरीज हो और तुम ये जानते हो कि जिंदा रहने के लिए सांस लेना पड़ता है और सांस लेने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला और मुझे ये नहीं बताया कि वो तीनों कहाँ हैं, तो मैं तेरा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बोल, बोल कहाँ है? बाबूलाल, बाबूलाल सामने आ जाओ, अब तुम बच नहीं सकते बाबूलाल। अमीर चंद, पुलिस आ गई है, अगर तुमने मुझे उन तीनों का पता नहीं बताया तो मैं तेरा गला घोंटूंगा। बोल, बोल। फाइल में, फाइल में, फाइल में पता उनका। कौन सी फाइल? कहाँ है वो? कहाँ? बैंक पे। कौन से बैंक पे? बोल, कौन से बैंक पे? बैंक लॉकर, लॉकर, लॉकर की चाबी? लॉकर। कहाँ है तुम्हारा लॉकर? कौन से बैंक में? कहाँ है? सी, बी, आई। तुम जाओ स्टैंड पे। यस सर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सिटी बैंक ऑफ इंडिया। पहले मुझे जगह की फोटोग्राफ चाहिए। क्विक, किसकी है? मैंने ये घड़ी तो मैंने
मेरे पिताजी की है। तो क्या क्या तुम सत्यप्रकाश के बेटे हो? आप उन्हें जानते थे? मेरी बेटी होगी। जी नहीं, ये तो पुलिस है। पुलिस। पुलिस अफसर हूं, ये मेरा कार्ड है। पुलिस से भागा हुआ एक मुजरिम इसी इलाके में छिपा हुआ है। अच्छा, नजर आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी अच्छा, थैंक यू। गया, तुम्हारे पीछे ये पुलिस क्यों पड़ी है? हा? अरे ये तो बेहोश हो गया। मंजूरी होगी। आओ आओ अंदर आओ। अच्छा हुआ बेटी तुम वक्त पर आ गए। क्या हुआ? बड़ा सीरियस केस है। कौन है? ये तो गोली लगी है। दिस इज अ पुलिस केस। ये मुजरिम भी हो सकता है, खूनी भी। नहीं, ये खूनी नहीं हो सकता। जानती हूँ ये कौन है। सत्यप्रकाश जी का बेटा है, हमारे साथ प्रकाश जी का। इसे बचाना हमारा फर्ज है। मैं उस महान व्यक्ति का बड़ा गुनाहगार हूं बेटी, पापी हूं। मैंने उन चार गद्दारों की बातों में आकर सत प्रकाश जी को मंदिर भेजा था, जहां उन लालची कुत्तों ने उनकी जान ले ली। उनके बेटे की जान बचाकर हम उनकी आत्मा को खुश कर सकते हैं। वो मेरा गुनाह माफ कर देंगे। लेकिन पिताजी, मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा बेटी, बस मुझ पर यह एहसान कर दे। चलो अच्छा हुआ गोली निकल गई। लेकिन खून बहुत बह गया है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन बेटी, मैं रिस्क नहीं ले सकती। इन्हें ब्लड देना होगा, एम्बुलेंस हो। हाँ, मैंने एसएचओ से बात कर ली है, उन्होंने 5 सिपाही भेज दिए हैं। अच्छा तुम ऐसा करो, नाकाबंदी करके तुम अपने साथियों में ले जाना और एक एक घर की तलाश लेना। ओके, फिर क्विकली खाता ये सर। मर्डर स्पॉट पे पड़ गया। हेलो, नाउ स्पीकिंग। हाँ हाँ भाई, मैं नो माय जॉब, आई डन इट, आई नो। क्या दिया पार्टी से? क्या दिया सुकिंग? यूरो इंडस्ट्रीज। हाँ, बैंक क्या है? मैं बताऊं सर, हो ना हो ये हमारे सीबीआई डिपार्टमेंट का बैनर भी हो सकता है। काशीराम जी। जयराम जी, जस्ट फाइल दिस, डू इट क्विकली। यस सर। हां बे, यस बी हियर। कब से फोन लगा रही हूँ, तेरा फोन ही नहीं लगता। फोन तेरा बिजी था मां। लेकिन मां, तुम अभी तक सोई नहीं? क्या करूं, तू भी तो जाग रहा है। 4 बज रहे हैं, तुम सो जाओ। पर तू कब आएगा? अब मुझे मालूम नहीं, हम लोग एक आदमी की तलाश कर रहे हैं। बेटे, किसी दिन अपने खोए हुए भाई को भी तलाश कर लेना। हाँ, जरूर तलाश करूंगा। हाँ, मुझे यकीन है कि वो एक नए दिन हमें मिल जाएगा। मैं डॉक्टर हूँ, मरीज को फौरन हॉस्पिटल पहुँचाना है, ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। आपका नाम? डॉक्टर मंजू सक्सेना, सेठ धर्मदास चैरिटेबल हॉस्पिटल। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। तुमने एम्बुलेंस को चेक नहीं किया? उसमें एक मरीज था, उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी। वैसे मैंने डॉक्टर और हॉस्पिटल का नाम पूछ लिया है। डॉक्टर मंजू सक्सेना। मंजू सक्सेना।
ठीक ही समझा था। पुलिस वालों को चकमा देना इतना आसान नहीं है। मिस मंजू सक्सेना, मैं आपको अरेस्ट करता हूँ। क्या जुर्म किया है मैंने? जुर्म यही कि बगैर पुलिस को इन्फॉर्म किए तुम 2 साल से गायब हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि पुलिस की लिस्ट में आने वाले हर मुजरिम को रोजाना हाजिरी देनी पड़ती है। दिल्ली में तो तुम्हारी हाजिरी में बहुत सी रहती थी ना? अरे मंजू, अभी तक तुम्हें शक है क्या? तो 2 साल से कहाँ गायब थे? अरे मेरा ट्रांसफर 2 साल से यही बम्बई हो गया था। मैंने तुम्हें कितनी चिट्ठियां लिखी, लेकिन मैं भी 2 साल से यही सर्विस कर रही हूँ। अच्छा अंदर कौन है? बहुत सीरियस है। अच्छा ठीक है, जाओ बाद में। देख धर्मदास साहब। हाँ मुझे मालूम। बाय। मिस्टर बाबूलाल की मौत दमे की वजह से हुई है। इट्स ए नेचुरल डेथ एंड इट्स नॉट मर्डर केस। हाँ बेचारा दमे का पुराना मरीज तो था ही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपको तकलीफ दी, माफ कीजिएगा। क्या हुआ भाई जी, गोली से मरा के चाकू से? यूं समझ लो कि सांस रुक गई और बेचारा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। ओह तो इसका मतलब है कि नेचुरल डेथ से मरा है, कुदरती मौत है? तो भाई जी बिल्कुल ऋषि मुनियों की मौत मरा है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ये ले आओ। मंजू। माँ जी जीती रहो बेटी, 5 साल में बिल्कुल नहीं बदली तू। मैं भी नहीं बदला माँ। चुप। आइए माँ जी ऑफिस में चल के बैठते हैं। आज मुझे जरा जल्दी है, मेरा व्रत है। माँ जी 7 दिन में 8 व्रत रखती हैं। आज कैसा व्रत? आज अविनाश के बड़े भाई का जन्मदिन है। बड़ा भाई? लेकिन मुझे तो नहीं बेटी, वो हमसे बिछड़ गया था। देवी माँ से रोज उसकी जिंदगी के लिए दुआ मांगती हूँ। मंजू पेशेंट कैसा है तुम्हारा? वो अरे मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। माँ जी वो बेहोश है। ये तो बहुत जख्मी है, इसका तो सारा चेहरा, इसके घर वालों में से कोई नहीं आया। शायद उन्हें खबर ही नहीं मिली होगी। माँ देवी माँ इसकी माँ की गोद भरी रहे। देखो बेचारा बेहोशी में भी अपनी माँ को याद कर रहा है। डॉक्टर ब्लड बैंक में भी इस ग्रुप का ब्लड नहीं है। अब क्या होगा, फौरन खून न दे गया तो इसका बचना मुश्किल है। ऐसा ना कहो बेटी। क्या ब्लड ग्रुप है इसका? एबी नेगेटिव। एबी नेगेटिव तो मेरा ब्लड ग्रुप है, मैं देता हूँ। देख क्या रही हो, अगर मेरे बेटे के खून से किसी की जान बचती है तो इसकी माँ कितनी दुआएं देगी। मैं चलती हूँ बेटे, गरीबों को खाना खिलाना है। मंजू कल घर जरूर आना बेटे। तो तुम्हारा ये मरीज तो ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, उसकी जान बच गई। इसमें शुक्रिया क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा डॉक्टर तुम्हारा वो दूसरा मरीज क्या था? दूसरा मरीज? लो वो तो कह रहा था कि वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। कौन मरीज? अब मरीज खुद अपनी जबान से कैसे बताए डॉक्टर को कि वो मरीज है। लेकिन जब तक मरीज ये नहीं बताएगा उसे कहाँ तकलीफ है, क्या तकलीफ है, डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? यूं समझ लो कि वो बहुत ही सीरियस है। तब तो ट्रीटमेंट भी बहुत सीरियस करना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट कल शाम को हो जाए। कल शाम? कल की शाम मेरे नाम। एक्सक्यूज मी, मुझे आपके पेशेंट रवि से मिलना है और ये कहती हैं। लेकिन मिलने का टाइम तो खत्म हो चुका है। मैं जानती हूँ मगर उनका और कोई भी नहीं है, प्लीज। क्या रिश्ता है आपका उनसे? जो आपका उनसे है। आइए। थैंक यू। ये रहा आपका पेशेंट। नर्स
चाहो तो पट्टियां खोल सकती हो। ये नकली पट्टी है, असली चोट तो यहां है। मुमकिन है मैया से पतवार छीन ले कोई, मुमकिन है फूलों से बहार छीन ले कोई, ये नामुमकिन मुझसे तेरा प्यार छीन ले कोई। मुमकिन है मैया से पतवार छीन ले कोई, मुमकिन है फूलों से बहार छीन ले कोई, ये नामुमकिन मुझसे तेरा प्यार छीन ले कोई। मुमकिन है सांसों का हर तार छीन ले कोई, मुमकिन है झूठों से इकरार छीन ले कोई, ये नामुमकिन दिल से तेरा प्यार छीन ले कोई। मुमकिन है ये आंचल तेरा बरस का बादल, जिंदगी पे मेरी लहराए, ये बाहें जो मेरे फुलाए, डर जाता मुझे सताए, जीना उसका हाथ में जिसके हाथ तेरा आ जाए। मुमकिन है दुनिया से पतवार छीन ले कोई, मुमकिन है फूलों से बहार छीन ले कोई, ये नामुमकिन मुझसे तेरा प्यार छीन ले कोई। मुमकिन है दिल के नाते। मुमकिन है मैया से पतवार छीन ले को, बहार छीन ले कोई, ये नामुमकिन मुझसे तेरा प्यार छीन ले कोई।
सीबीआई, सिटीजन बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, सिटीजन बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, पान पान पंद्रह Good morning. Good morning. 387, please. Sign कीजिए. जी, pen मैं अपना इस्तेमाल करता हूँ. Oh. अरे, ink ही नहीं है. ये क्या? Oh, माफ कीजिए, मैं अभी साफ किए देता हूँ. ठीक. माफी चाहता हूँ. बस, थोड़ी देर में आप सो जाएंगे. सो जाइए. हाँ ऐसे. राम राम साईं. राम राम. नया है क्या? जी हाँ, अंदर इनकम टैक्स वालों का रेड चल रहा है. मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ. आपकी चाबी कहाँ? मारो कोई लाकट पकड़े. मैं तो जयराम जी करने आया था. जयराम जी करने आया था. मारो कोई लाकट पकड़े. हे भगवान. आदमी मुझसे टकराया था वो कहाँ गया? अरे खुद तो चले गए और ये कागज छोड़ गए हैं. किधर गए? किधर गए? अरे साहब, अरे साहब, कहाँ जा रहे हो साहब? अरे साहब, अरे साहब, मुझे साथ चलो साहब. मैं रह गया हूँ साहब. क्या कर रहे हो साहब? मुझे साथ दे. है बहादुर दौलत राम और जय राम आजकल दूध सागर में रहते हैं. यस सर, मैंने दूध सागर टेलेक्स करवाया था. वहाँ से खबर मिली कि जयरामन शहर से बाहर गया हुआ है. ओ सर, जब तक जयरामन दूध सागर वापस नहीं आ जाता, मैं उस आदमी को ढूंढ निकालना चाहता हूँ जो बैंक से फाइल लेकर भागा था. उसे अरेस्ट करना चाहते हो? नो, नॉट एग्जैक्टली सर. सर, मैं उसका पीछा करना चाहता हूँ. सर, मुझे यकीन है कि उसका पीछा करते हुए मैं बाकी के उन लोगों तक पहुंच जाऊंगा जो फरखाबाद मर्डर केस में शामिल थे. सर, आवाजें दे दे कर मेरा गला बैठ गया और आप जीप में बैठकर चले गए. काशीराम, जल्दी से तैयार हो जाओ. हमें उस आदमी को ढूंढना है जो बैंक से भागा था. ढूंढने की क्या जरूरत है? मैं उसे जानता हूँ. आप उसे जानते हैं? जी. कहाँ रहता वो? रहता कहाँ ये तो नहीं मालूम. बाकी उस लड़की से मिलने जाता है. कौन सी लड़की? ये तो नहीं मालूम. जो होटल में रहती है. कौन सा होटल? क्लिफ्टन होटल. मिस्टर माथुर, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आ रहा हूँ. उषा, रिसेप्शन को फोन करो और मेट्रो रोल गोवा में मेरे नाम से जानी ब्रगंजा के नाम से एक कमरा बुक कर लो. हेलो, 324 प्लीज. एक कॉल गोवा बुक करना है. मेट्रो होटल एक रूम बुक करवाना है. जी जी
जॉनी ब्रिगेंजा. यस, इट्स वेरी अर्जेंट प्लीज. थैंक यू. पुलिस आ गई है. मैं गोवा जा रहा हूं, कमरा बुक हो जाना चाहिए. कौन है आप? सुनिए, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं. अरे, इस तरह किसी लड़की के कमरे में आने का मतलब? आखिर मैं आपसे पूछ... आप बहुत पूछ चुकी हैं. आप पूछने का जरा हमें मौका दीजिए. ये बताइए उषा जी, रवि कहाँ है? कौन रवि? मैं किसी रवि को नहीं जानती. ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए. मैं कह चुकी, यहाँ कोई नहीं आया है. मैं किसी रवि को नहीं जानती. ये सिगरेट कौन पी रहा था? सिगरेट? मैं. आ Have another one. जी. पी ही लीजिए. One on me. Please. Go ahead. That's it. Nice brand. Very good. Excuse me. इन दोनों सिगरेट का मिलन आपके होंठों से हो चुका है, लेकिन आपके होंठों के लिपस्टिक के निशान सिर्फ एक ही सिगरेट पर है. ताजुब है जी, वो ताजुब है. ताजुब है. फोन. अलाउ मी. गोवा के मेट्रो होटल में जॉनी ब्रिगेंजा के नाम से जो रूम बुक कराया था वो कंफर्म हो गया. तो अब रवि जॉनी ब्रिगेंजा बन के गोवा गया है. आई एम जॉनी ब्रिगेंजा फ्रॉम बॉम्बे. मैंने एक कमरा बुक किया था. या जसवंत भैया, ये साइन हियर. थैंक यू. मुझे आपके होटल के मालिक मिस्टर माथुर से मिलना है. मिस्टर माथुर? ये तो काफी मुश्किल है जनाब. उनसे कहिएगा कि बाबूलाल का एक मैसेज है. या आपकी मुश्किल हल हो जाएगी. यस सर, कोई जॉनी ब्रिगेंजा नाम का आदमी आपसे मिलने आया है बंबई से. क्यों? वो किसी बाबूलाल का मैसेज लाया आपके लिए. बाबूलाल का है? किसका मैसेज लाया है? बाबूलाल. रूम नंबर क्या है? 405. 405, ठीक है. ओ भाई जी, ये बाबूलाल. बाबूलाल का कोई आदमी मैसेज लेकर आया है. अजी, पर वो सौराठो कभी का मर चुका है. मामला कुछ टेढ़ा नजर आता है. तो क्या भाई जी, मरने के बाद भी वो सौरा हम पे भारी पड़ेगा? जॉनी ब्रिगेंजा कौन से कमरे में ठहरे हुए हैं? जॉनी ब्रिगेंजा कौन से कमरे में ठहरे हुए हैं? 405 में. मुझे 406 दीजिए. यू साइन यस सर. यस की. थैंक यू. यस सर, अभी अभी एक पुलिस ऑफिसर जॉनी ब्रिगेंजा के पीछे पीछे आया है. उसके बराबर वाले कमरे में वो ठहरा है. आइए, आप किसके घंटी बजी थी? अरे ये जॉनी ब्रिगेंजा भी कोई अजीब गोरख धंधा नजर आता है. अब उसके पीछे एक पुलिस ऑफिसर आया है. देखते हैं अब कौन कौन आता है. भाई जी, मैं तो कहूँ कि कोई दूसरा टंटा खड़ा हो इससे पहले इस बुरे गंजे का काम कर दो. करना ही पड़ेगा. Thank you.
यस मैडम। मिस्टर जॉनी बर्गेंजा कौन से कमरे में है? आप कौन है? मैं उनकी वाइफ हूँ। ओह, ही इज इन 405। एक्चुअली हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। गुड। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। वेरी गुड। आपके पास उनके कमरे के आसपास कोई कमरा खाली है? नहीं, ऐसा कोई जैसे 404। 404 में तो फिलहाल एक कपल ठहरा हुआ है। 406 में एक पुलिस ऑफिसर अविनाश ठहरे हुए हैं। I'm really sorry, madam. I can't help you. Thank you. I'll try something else. Hello. तुम? यहाँ? जहाँ रवि वहाँ उषा। तुम यहाँ क्यों आई? तुम समझती क्यों नहीं? मच के ही तो आई हूँ, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे काम के लिए। क्या काम है बोलो। बंबई से तुम्हारे पीछे। यहाँ नहीं। अच्छा। चलो कमरे में चले। डीएसपी अविनाश। हाँ, डीएसपी अविनाश हमारे साथ वाले कमरे में ठहरा है। ओह, आई सी। ये पुलिस नहीं हो सकती। कम इन। मिस्टर जॉनी बर्गेंजा। यस। हमको आपका मैसेज मिला। आई एम माथुर। अच्छी तरह सोच लो। सौदा तो कुछ महंगा ही पड़ रहा है। अजी भाई जी, मैं तो कहूँ हूँ महंगे सस्ते को छोड़ो। ओखली में सर्दी आए तो मूसली से क्या डरना, जैसे भी हो सौदा पटाई डालो। रॉकी, बोट की चाबी दो। वो अपनी रेड बोट है ना, उसको टाइम बम फिट करा दो। अजी टाइम से पहले ही फिट करवा लो। अरे भाई जा, तू फिट कर दे वरना वो हम सबको फिट कर देगा। जैनी, ये चाबी लेकर जाओ और जॉनी बर्गेंजा को पहुंचा दो। कूद जाना, बेवकूफी अकलमंदी नहीं। सर पर कफन बांधने के बाद अकल काम नहीं करती, जुनून काम करता है। मिस्टर जॉनी ब्रिगेंजा। यस। सामने बीच पर एक लाल रंग का स्पीड बोट है, उसमें बैठकर अकोड़ा बीच चले जाओ, वहां मिस्टर माथुर तुमको मिलेगा। ये लो बोट का चाबी। हाँ। तुम मेरे साथ नहीं आओगी।
परेशाना मुझे सीधी उंगली घी नहीं निकला तो रेडी करनी पड़ी। बंबई में हमने तुम्हें दावत दी थी, तुमने इनकार कर दिया, लेकिन ये गोवा है हमारा गोवा। अब क्या जवाब है? वही जो उस दिन था। मुझे माफ कर दो, मेरे गुनाह की सजा मुझे मिल चुकी है, बस माफ कर दो मुझे। तुम्हारे गुनाहों की सजा तो तुम्हें अब मिलेगी। ये घड़ी तो सतप्रकाश सतप्रकाश की है। हाँ, देशभक्त सत्यप्रकाश, और मैं उनका बदनसीब बेटा। उनके जिस्म में चार चाकू घोंपे थे, एक बाबूलाल का और दूसरा तुम्हारा। रिपोर्ट के बारे में कुछ पता नहीं चला है, जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम फॉरन बॉम्बे हेडक्वार्टर को कॉन्टेक्ट करेंगे। हेड साहब, मैसेज मिला है, होटल मेट्रो के मालिक मिस्टर मोहन की लाश समंदर में मिली है, जिस पर चाकुओं के निशान भी हैं। इसका मतलब है कि रवि अभी जिंदा है। कौन रवि? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नहीं, कोई नहीं, मुझे तो कोई भी याद नहीं आ रहा। लेकिन ये सब कुछ तू क्यों पूछ रहा है? इसलिए कि पिताजी के कातिलों में से मोहनदास का भी खून हो चुका है। अच्छा हुआ। अगर पिताजी का ऐसा कोई दोस्त कोई साथी नहीं जो उनकी मौत का बदला लेना चाहता हो तो फिर वो कौन है? कौन वो? मां, मुझे यकीन होने लगा है कि मेरी तरह कोई दूसरा भी है जो उन चारों देशद्रोहियों की जान का दुश्मन है। और भी कोई है जो उन जालिमों के जुर्म का शिकार बन चुका है, उनसे बदला लेना चाहता है, लेकिन कौन? कहीं वो मेरा भाई तो नहीं? क्या विजू जिंदा है? मेरा बेटा जिंदा है? उसका पता लगा बेटा? कहीं से भी ढूंढकर एक बार उसे मेरी आंखों के सामने ले आ। मरने से पहले एक बार मैं उसे देखना चाहती हूँ, बस एक बार। अविनाश, इस केस में तुम्हारा भाई इन्वॉल्व है, इसलिए अगर तुम चाहो तो ये केस हम किसी और के सपोर्ट कर दें। नहीं सर, नहीं, मैंने आज तक कोई केस अधूरा नहीं छोड़ा, और फिर ये केस तो मेरी जिंदगी का मकसद है। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, डीएसपी अविनाश चौधरी अपनी ड्यूटी कभी नहीं भूलेगा। मैं आज ही दूध सागर जाता हूँ। नमस्ते सेठ जी। मुकारम जी, सेठ धर्मदास जी वाला माल तो भिजवा दिया है ना? हाँ सेठ जी। हाँ वेरी गुड सेठ जी, एक नवा व्यापारी आया हुआ है, आपको पूछ रहा है। हाँ, लगता है कोई सरकारी ठेका मिलने वाला है। चलो जी, हाँ, मुझे इसी ट्रेन से वापस जाना होगा, आप यहाँ आकर संभाल लीजिएगा। भाई जी, टेलीफोन पर पैसा खर्च होता है, पहले कुछ धंधे की बात तो कर लो। यही तो करने आए हैं सेठ जी। हाँ तो करो, और ये बताओ कि शिमले की लकड़ी लोगे या गोवा का लोहा? हम तो दोनों के बीच की बात करने आए हैं सेठ जी। हाँ बीच की, पर भाई जी अपना कुछ अटा पटा तो बताओ, किसके थ्रू आए, कहाँ से आए? फरखाबाद। भाई जी ये नाम तो हमने पहली बार सुना है।
अहमदाबाद सुना, जलालाबाद सुना, धनबाद सुना, मुरादाबाद सुना, ये फर्रुखाबाद किसने आबाद किया? आप फर्रुखाबाद को भूल चुके हैं, लेकिन फर्रुखाबाद की धरती आपको नहीं भूल सकती, जिसकी मिट्टी आज भी किसी के खून से लाल है। गाय बहादुर दौलत राम उर्फ जयराम। और भाई जी, तुम हो कौन? डीएसपी अविनाश चौधरी, यू आर अंडर अरेस्ट। मतलब भाई जी, मैं यूं कह रहा हूँ कि कहीं इसमें आपकी भूल हो तो, कहीं कानून ने मुझे छोड़ दिया तो, या कहीं उल्टे आप फंस गए तो। आपकी हर टोटो का जवाब मेरे पास है। भाजी एक मिनट, मुकादम देखो जरा भार संभाल लेना, मैं डीएसपी साहब का भुगतान करके आता हूँ। डीएसपी साहब, हमारे सेठ जी को छोड़ दीजिए, कोई होशियारी करने की कोशिश मत कीजिएगा, जरा नजर उठा के चारों तरफ देख लीजिए। डीएसपी साहब, टाइम आ गया है, अब मैं आपका वजन हल्का कर दूं तो। गोली किस पे चलाने वाला था? डीएसपी को। क्यों? वो हमारे सेठ जयराम को पकड़ के ले जा रहा है। Thank you.
राम कौन कौन हो तुम? कुछ याद आया? फरखाबाद की वो शाम, सत्या प्रकाश बाबू का खून, तुम चारों ने मिलकर एक एक बार किया था, लेकिन मैं एक एक करके चार बार करूंगा। साथ ही है ना? माँ मेरे साथ ही है, तुम्हें बहुत याद करती है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब कि उसकी जबान पर तुम्हारा नाम ना आए। मुन्ना, मुझे माँ के पास ले चल, मुझे माँ के पास ले चल, मैं माँ के दर्शन करने जा रही हूँ। भैया, मैं डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ, और अभी तुमने मेरे कैदी का खून किया है। नहीं मुन्ना, वो कैदी नहीं था, वो गद्दार था, कातिल था, हमारे पिताजी का हत्यारा था वो। लेकिन इस वक्त वो कानून का मुजरिम था। नहीं मुन्ना, नहीं, कानून से पहले वो मेरा मुजरिम था, हमारे खानदान का मुजरिम था। उसके जुर्म की सजा मैंने काटी है, तुमने काटी है, हमारी मां ने काटी है, और वो सजा मेरे लिए अभी तक खत्म नहीं हुए। जब तक शेर सिंह जिंदा है और नहीं, अब तुम किसी और का खून नहीं करोगे। शेर सिंह को मैं गिरफ्तार करूंगा, उसे सजा मैं दिलवाऊंगा, कानून से अपने पिताजी के खून का बदला मैं मांगूंगा। मांगने से भीख मिलती है मुन्ना, बदला नहीं, बदला खुद दिया जाता है। तो फिर कानून किस लिए, किस लिए अदालतें बनी है? क्यों लोग इंसाफ पर भरोसा रखते हैं? मेरी रगों में भी वही खून है जो तुम्हारी रगों में है। मैंने 25 साल तक बदले के इस नश्तर को अपने सीने में कैसे छिपाए रखा है ये मैं ही जानता हूं। तुम समझते हो कि पिताजी पर हुए जुल्म की कहानी मैंने नहीं सुनी? तुमने सिर्फ जुल्म की कहानी सुनी है मुन्ना, मैंने अपनी आंखों से जुल्म होते देखा है, चाकुओं की वो चमक देखी है मैंने, अपने पिताजी के जिस्म से खून के निकलते हुए फव्वारे देखे हैं मैंने। कानून जज्बात को नहीं समझता भैया, ना मेरे ना तुम्हारे। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा,
अगर इनकार कर दूं तो फिर मुझे गोली चलानी पड़ेगी। चलो भैया। जिंदा है? मेरा बेटा जिंदा है? कहाँ है वो? तू अपने साथ क्यों नहीं ले आया उसे? क्या वो अपनी माँ से नहीं मिलना चाहता? क्या वो हमें भूल गया बेटे? कैसी बातें करती हो माँ? जब मैंने भैया को बताया कि मैं उनका छोटा भाई हूँ तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो तंग रह गया। फिर भैया ने मुझे अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया तुम्हारे बारे में पूछने लगे। माँ वो तुमसे मिलने आ रहे थे लेकिन वो आया क्यों नहीं? इसलिए कि हमारे बीच कानून आ गया, मेरा फर्ज आ गया। तू अपने भाई को पकड़ेगा, अपने बड़े भाई को? इतने सालों से जिसकी तलाश थी तुझे, तू उसे हवालत में डाल देगा? मैं मजबूर हूँ माँ, मुझे कानून। कौन सा कानून? उस कानून की कदर नहीं तुम्हें जिसने तुम्हें जन्म दिया? उस कानून के तरी दिल में कोई हिस्सा नहीं जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम एक पुलिस ऑफिसर बन सको? माँ का वो फर्ज भूल गए जो तुम्हारी हर सांस पर एहसान है? अगर भूल गए हो तो लो, मुझे हवालात में बंद कर दो। मैं ही वो माँ हूँ जिसने तुम्हारे मुजरिम को जन्म दिया है। लो लगाओ हथकड़ी, लगाओ। यूं क्यों नहीं कहते कि खून के रिश्ते ने तुम्हारे हाथ रोक लिए? भाई के प्यार ने तुम्हारे रिवॉल्वर का मुंह नीचे कर दिया। रवि की जगह अगर कोई और होता तो क्या तुम्हारा रिवॉल्वर ना चलता? सर मैंने गोली चलाई थी। अगर तुमने होश में गोली चलाई होती तो रवि आज जख्मी होकर पुलिस की हिरासत में होता। लेकिन उस वक्त तुम्हारी आंखें गुनहगार को नहीं अपने भाई को देख रही थी, सिर्फ अपने भाई को। ये केस मुझे उसी वक्त तुमसे वापस ले लेना चाहिए था। मैंने गलती की जो तुम पे यकीन किया। नहीं सर, आपने कोई गलती नहीं की। ये ठीक है कि रवि बचकर भाग गया लेकिन अभी वो जिंदा है। मतलब? सर आप मुझे एक मौका और दीजिए। रामू जी। हेलो माँ, 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 मैं विजू हूँ। विजू, विजू, विजू तू बोल रहा है ना? हाँ माँ, तुम्हारा विजू। विजू, कहाँ है तू बेटे? कैसा है? अब तो तू बहुत बड़ा हो गया होगा, है ना? तुझे अपनी माँ की याद कभी नहीं आई बेटे? माँ, मेरी तो आंखें तरस गई है माँ तुम्हें देखने के लिए। मैं अभी आ रहा हूँ माँ। नहीं बेटे नहीं, तुम नहीं आना। ये पुलिस वालों का घर है बेटे, और मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती। बहुत मिन्नतों के बाद वैष्णव देवी ने मेरी सुनी है। तू जिंदा है, मुझसे बात कर रहा है, यही मेरे लिए बहुत है बेटे। तुम फिक्र मत करो मां, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर तुम कहती हो तो मैं घर में नहीं आऊंगा। तुम दरवाजे पे चली आना, मैं तुम्हारे चरण छू के चला जाऊंगा। तेरा भाई तुझे मुझसे मिलने नहीं देगा। सुन, मैं कल वैष्णो देवी जा रही हूं। वैष्णो देवी? माँ, ताऊ माँ कहाँ? माँ जी तो सवेरे की गाड़ी से वैष्णो देवी चली गई।
वैष्णो देवी। हेलो कटरा पुलिस स्टेशन, मैं बंबई से डीएसपी अविनाश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? डीएसपी अविनाश चौधरी। ओ डीएसपी साहब, हुक्म कीजिए, क्या बात है? मेरी माताजी वहाँ वैष्णो देवी आ रही हैं। नहीं नहीं, उनके साथ मेरे अर्दली भी हैं। अच्छा, वो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। अच्छा सुनो, हेलो सुनो, हाँ थैंक्स, लेकिन एक आदमी मेरी माताजी से मिलने आएगा। हाँ, वो मिलने की कोशिश करेगा, वो मुजरिम है। हाँ, ऐसा कोई डाउटफुल कैरेक्टर दिखाई दे तो उसे अपनी हिरासत में रख लेना। हाँ, मुझे कॉन्टेक्ट करना। उसका हुलिया बता सकते हैं सर? हुलिया हुलिया टॉल, 6 feet, गेहुआ रंग, ब्लैक आईज, लंबे बाल। या ओके, थैंक यू। हुलिया चलिए निशेरा वाली माँ के दर्शन को, दर्शन को
सब रुकते हैं। कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज्ड, तीनों साथियों का खात्मा। अब दुनिया का कोई कानून मुझे सत्य प्रकाश का कातिल नहीं ठहरा सकता। ए धर्मदास, तू क्या हंसता है? तू समझता है मैं बेवकूफ हूं? ये नहीं सोचता कि जो मेरे तीनों साथियों को खत्म कर सकता है वो मुझे मारने के लिए यहाँ आ सकता है, मगर मैं उनकी तरह बुजदिल नहीं हूं। मेरे अंदर ताकत है। मेरा नाम शेर सिंह है, शेर सिंह, एंड चीयर्स फॉर शेर सिंह, चीयर्स। लेकिन पहले मुझे वो फाइल तलाश करनी पड़ेगी जिसमें मेरी उंगलियों के निशान हैं, और उसके लिए मुझे डीएसपी अविनाश को काबू में करना होगा।
पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। टॉनी साहब, मुझे लगता है पुलिस अमृत से सब कुछ उगलवा लेगी। तो खत्म कर दो उसे। लेकिन इस तरीके से इल्जाम अविनाश पर आए। ओके जालादार, और नहीं तो जान से मार डालूंगा रामजादे। जान दो सर, जान दो, मर जाएगा, इसके हाथ बहुत खराब। जाने से जयराम जी सर। जयराम जी, काशीराम, क्या बात है रात के इस वक्त? आप पर खून का इल्जाम लग गया है सर। हाँ? किसका खून? लखपत में अमृत का खून हो गया है। एसपी साहब को आईजी साहब से मैंने टेलीफोन पर बात करते हुए सुना है, सकाराम ने आपका नाम लिया है कि आपने अमृत को जान से मार डालने की धमकी दी थी। अपने बचाव में जो कुछ करना है जल्दी कर लीजिए सर। मैं जानता हूँ इसमें किसका हाथ है। काशीराम, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं सर, काशीराम तो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। तो सुनो, मेरी गैर हाजिरी में मेरे लॉकर की चाबी किसी को भी मत देना। यस सर। दूसरा, अगर मैं दुश्मनों के जाल में फंस गया तो मैं किसी न किसी तरह आपको मैसेज भिजवाऊंगा। जी। अगर उस मैसेज में लिखा होगा जयराम जी तो समझना सब ठीक ठाक है जी। मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं। और अगर लिखा होगा जय राम जी की का मतलब खतरा जी, तो समझना मैं खतरे में हूं, मुझे मदद चाहिए जी। मैं कहां हूं वो आपको मेरे खत के हर लाइन के पहले अक्षर से पता चल जाएगा। हर लाइन का पहला अक्षर मिला लेना। यस सर। तो पता चल जाएगा मैं कहां हूं। यस सर। और आप फौरन पुलिस फोर्स लेकर वहां पहुंच जाना जी। ठीक है, मैं जाता हूं। यस सर। कौन है बे? अबे लाइट तो बंद कर। रवि दादा। आइए आइए रवि साहब, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? पुलिस चौकी में पहुंचकर फोन कर दिया? ये तो अपना धंधा है साहब, कभी आपको काम पड़े तो। अपना काम तो हम अकेले ही करते हैं, हमें नाम चाहिए उस आदमी का। किसका? वही जिसके कहने से तुमने ये काम किया। रवि साहब, आप तो जानते हैं कि इस धंधे में नाम नहीं बताए जाते। और हम नाम पूछना जानते हैं।
इस धंधे में जान भी चले जाती है बच्चे, और फिर जान है तो जान है। बोल, क्या नाम है उसका? धर्मदास, धर्मदास। आप डीएसपी अविनाश इस वक्त यहाँ? कुछ वक्त ही आसान पड़ा है। जुर्म की दुनिया में एक मुजरिम और बढ़ गया है। क्या मैं आपका साथी बन सकता हूँ? साथी? हाँ, धर्म के इस काम में जो आप कर रहे हैं। ये श्योर श्योर, वाई नॉट। धर्मदास जी, हाँ? क्या ये भी आपके धर्म कर्म में शामिल है? नहीं, ये तो ऐसी जरा टाइम पास। ड्रिंक बनाओ। श्योर। आप जुर्म की कोई बात कर रहे थे? बात यह है कि पुलिस कस्टडी में एक मुजरिम का खून हो गया है, और उस खून का इल्जाम मेरे सर पर आ गया। आपके सर पे? बड़े अफसोस की बात है, आप जैसे ईमानदार और काबिल ऑफिसर के सर पे इतना बड़ा इल्जाम। जुर्म है ये तो भाई। खैर भाई, मैं हाजिर हूं, कुछ कर सकता हूं तो हुक्म कर देना। आप तो सब कुछ कर सकते हैं धर्मदास जी, मेरी जान भी बचा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी पुलिस कमिश्नर साहब को फोन कर देता हूँ। दूसरों की मदद करने में तो मुझे खुशी महसूस होती है, लेकिन पुलिस वालों की मदद करना तो मैं अपना धर्म समझता हूँ। नाम ही धर्मदास है ना, जाने क्यों लोग सेठ धर्मदास के नाम से पुकारना पसंद करते हैं। नंबर क्या है? सेठ जी, हा? इतनी रात गए कमिश्नर साहब को फोन करना ठीक नहीं लगता, आप चिट्ठी लिख दीजिए। चिट्ठी लिख दूं? ये भी ठीक है, रात के वक्त क्यों किसी की नींद खराब की जाए। जनाब पुलिस कमिश्नर साहब, मगर लिखूं क्या? पुलिस कस्टडी में अमृत नाम के जिस आदमी का मर्डर हुआ था वो मेरा ही आदमी था, और उसका मर्डर मैंने ही करवाया था। एक मिनट, मेरा ही आदमी था, मैंने खून कराया, मतलब तुम्हारा आदमी था, तुमने खून कराया? आप नहीं था, आपने मर्डर करवाया था। मैं समझा नहीं। मेरी बात नहीं समझेंगे, लेकिन इसकी जबान जरूर समझने के। जो मैं कहता हूं अगर आप वही लिखेंगे तो आपको सिर्फ चंद सालों की सजा मिलेगी, वरना आपने खूनी तो बना ही दिया है, एक खून और सही। सेठ धर्मदास अपने टाइम पास से कहोगे हिले नहीं। हाँ, तो फरमाइए के क्या लिखूं? लॉकअप में अमृत नाम के जिस आदमी का खून हुआ था वो आदमी मेरा था, और उसका खून मैंने करवाया था। बस? नहीं, और ये मैं बिना किसी डर या मजबूरी के लिख रहा हूं। साहब मुझे तो डर भी है और ये मजबूरी भी है। तुम जल्दी लिखते हो? नहीं, मेरा वक्त जा रहा है। आपका वक्त जा नहीं रहा है डीएसपी साहब, आपका वक्त तो आ रहा है। मैंने कहा था ना डीएसपी साहब कि आपका वक्त आ रहा है, देखिए कितनी जल्दी आपका वक्त आ गया। अब आप थोड़ी सी तकलीफ कीजिए, मैं जो कहता हूं वो आप लिखते जाइए, और अगर ना लिखूं तो कुछ नहीं, पिस्तौल भी आपका है, लाश भी आपकी, पुलिस समझेगी जेल से भागे हुए कैदी ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करोगे या लिखोगे? अपने ऑफिस से फिंगरप्रिंट्स की वो फाइल मंगाओ जिसे पुलिस ने फरखाबाद मर्डर केस का नाम दे रखा है। आपका उस केस से क्या ताल्लुक है? बहुत पुराना ताल्लुक है, उस फाइल में मेरी उंगलियों के निशान है और वो मुझे वापस चाहिए।
एक मिनट, किसके नाम लिख रहे हो? अपने अर्दली के। गुड, आदमी समझदार हो। काशीराम जी, जय राम जी की। काशीराम जी, जय राम जी की। नंबर 140। हाँ जी। कोई खोली है खाली? है जी। महाशय जी को लॉकअप दिखाओ, अंदर की हवा खिलाओ। चलो। अरे माइक बुरे काय को पकड़ता है? चला। अरे काय को पकड़ता है? चला। मेरा क्या है? अच्छी तरह चंपी कराओ, फिर भी ना कुछ बोले तो मुझे आकर बताओ। अरे काशीराम जी, क्या बात है, क्या हुआ? अपने डिप्टी साहब जरूर कहीं फंस गए हैं। मगर कहाँ फंसे हैं? याद आया, हर लाइन का पहला अक्षर। मैं धर्मदास के घर में। क्यों, काम हो गया? यस बॉस, डीएसपी कुमार को उठा लाया और उसके बेटे साहब उसको बंद कर दिया है। गुड। हेलो धर्मदास, तुम्हारे चेहरे से धर्म का नकाब उतारने के लिए मैं आ रहा हूँ। कौन? तुम्हारी मौत का फरिश्ता रवि। तुम लेके काम करो, ये जगह फौरन खाली करो और पानी वाले बंगले पहुंचो। मैं भी आता हूँ, हरी अप, आउट। बॉस, डीएसपी और इसकी माँ को मैं लेके आता हूँ। नहीं, तुम्हें कहीं और जाना है। कहाँ? दूसरी दुनिया में। तुम तो जख्मी हो, तुम्हें गोली लगी है। किसने गोली मारी तुम्हें? धर्मदास ने। धर्मदास कहाँ है? वो कहाँ है? तुम वहां नहीं पहुंच सकते। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं रवि साहब, अब कोई फायदा नहीं है। तुम डीएसपी अविनाश और उसकी माँ को बचा लो। अविनाश माँ? डीएसपी साहब को निकालो। ठहरिए डीएसपी साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? बस पांच मिनट की और मोहलत दीजिए, हम लोग यहां से चले जाएं, फिर यहां की जहरीली गैस आप दोनों को हम लोगों से बहुत दूर ले जाएगी।
सब सामान निकाल कर ये जगह खाली कर दो। कमान हरी आप। हेलो कल्याण पुलिस, कैन यू हियर मी? हेलो कल्याण पुलिस, कैन यू हियर मी? ओवर। कल्याण पुलिस रिपोर्टिंग, प्लीज आइडेंटिफाई। ओवर। आई एम रॉजर नाइन स्पीकिंग। ओवर। रॉजर नाइन, डिक्लेयर पोजीशन। ये जगह 35 डिग्री 20 मिनट्स 9 सेकंड्स नॉर्थ ईस्ट पहाड़ों के बीच में है। आई नीड हेल्प अर्जेंटली। पुलिस फोर्स का जल्द आ जाओ। जी हाँ। ओवर। धर्मवीर, बॉर्डर एजेंट को कांटेक्ट करो और कहो हम बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, सब इंतजाम ठीक होना चाहिए। हरी अप। यस बॉस। नहीं, मैं तुम्हें यहां नहीं मारूंगा। पहले मेरी मां को इस जगह से बाहर निकालो, उसके बाद तुम्हारी आखिरी सांसें मेरी मां के चरणों में निकलेंगी। आदमी से कहो सेल के दरवाजे खोल दें। और अगर न कहूं तो? गोली चलाने की भूल मत करना। ये जो दीवारें हैं ना, जरा से भी आवाज का धमाका बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। गोली चलाएगी तो रेत की दीवार की तरह धम से बढ़ जाएंगी। पढ़े लिखे आदमी हो, साइंस तो समझते हो ना, ये सब एकॉस्टिक्स का कमाल है। इस खिलौने पे छोटा सा नमूना दिखाऊं? देखो इस तरह तुम्हारी माँ जो है इस रेत की दीवार के नीचे जिंदा दफन हो जाएगी। ये मुझे दे दो, कहीं चल जाएगी बेचारी, खामखा मारी जाएगी। ऐसा नहीं है डीएसपी साहब कि हम यहाँ गोली नहीं चलाते हैं, पर यहाँ गोली चलाने का आर्ट है। बताऊं? साइलेंसर। इससे मरने वाले को तकलीफ भी नहीं होती है और हमारा ये अंडरग्राउंड किला भी महफूज रहता है। अब तुम चलो तुम्हारी माँ के पास। उस बेचारी ने अपने पति को तो मरते हुए नहीं देखा है, कम से कम अपने बेटे को अपने कदमों मरते हुए जरूर देखेगी। बस सिंह और धर्मदास, ये चाकू पिछले 25 बरस से तेरे खून का प्यासा है। ये वही चाकू है जिससे तुम लोगों ने मेरे पिताजी की जान ली थी। अपने किराए के वफादारों से कहो कि गन्स फेंक दें, नहीं तो शेर सिंह ये चाकू तेरी गर्दन काट के मेरे कदमों में फेंक देगा। ए, देखो, देखो। मुन्ना, तुम माँ को लेकर यहाँ से फौरन चले जाओ। नहीं बेटे, हम तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। भैया, अब तो जिएंगे भी एक साथ और मरेंगे भी एक साथ। मुन्ना, तुम समझते क्यों नहीं, माँ को यहाँ से लेकर चले जाओ। माँ, तुम मेरी सौगंध।
सहारा कमजोर आदमी ढूंढते हैं जज साहब। मैं कमजोर और मुर्दा इंसान में कोई फर्क नहीं समझता। मेरी रगों में वो खून है जिसने जोश मारा था तो लाल किले पे तिरंगा लहरा गया था, और मैंने आज से 25 साल पहले उसी खून को अपनी आंखों से देश के गद्दारों के चाकों की धार पर बहते देखा था, और कसम खाई थी मैंने कि मैं इस खून का बदला जरूर लूंगा। वो खून मेरे बाप का था जज साहब। मैंने अपना काम पूरा किया, अब आप अपना काम पूरा कीजिए। मुझे सजा सुनाइए जज साहब, मैं हर सजा कबूल करने को तैयार हूं। ठहरिए जज साहब, फैसला सुनाने से पहले इस मुकदमे के सिलसिले में ये सरकारी फाइल पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इस फाइल का इस केस से क्या ताल्लुक? गहरा ताल्लुक है जज साहब। 25 साल पुरानी यह फाइल होम मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड रूम से मिली है। इस सरकारी फाइल से पता चलता है कि जिन लोगों के कत्ल के सिलसिले में आप रवि कुमार को सजा देने जा रहे हैं वो देश और कानून के मुजरिम थे, और भारत सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए 1,00,000 रुपए इनाम का ऐलान किया था। मुल्ज़िम रवि कुमार, अदालत इस केस से तुम्हें बाइज्जत बरी करती है। ओ सपेरन चल चलिए निशेरा वाली माँ के दर्शन को। And the door.